सर्दियों का मौसम जदों ही शुरू हुंदा है उस वेले तो लैके लोहड़ी तक लगातार चाइना डोर की वरतों नौजवानों वालों पतंग उड़ाने लई कीती जांदी है। इस डोर कारण बहुत सारे पंछी लोगों की मौत होने की खबर भी मिलती रहती है, लेकिन कुछ लोग अजे भी इस तों सुचेत नज़र नहीं आ रहे। उते ही अमृतसर के वेरका ब्रिज उत्ते एक नौजवान जदों कि अपने घर तो नौकरी पर जा रहा है उस वेले उसके गले च चाइना डोर फिरन कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिस तों बाद पुलिस पहुंची और मृतक की लाश को कब्जे में लैके उसनू पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेजा गया। उसके परिवारक मैंबर का कहना है कि चाइना डोर के कारण ही उसके एक होर परिवारक मैंबर की पहला भी मौत हुई सी। असं चाहते हाँ कि जिस व्यक्ति वालों ये पतंगबाजी इस डोर नाल की जा रही है उस खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। मेरे उस्ताद जी जी जेमा जरा इकट्ठे ला के आए हैं जी, तैयार हो गए सानू मिल के गए हैं ते वड्डे अपना पुल ते वेरका बाईपास ते आ रहे सी, पुल तो ते ड्यूटी नूं जा रहे सी। रोक नहीं पाई, बहुत माड़ी सरकार तो सुती पी है जी। सरकार का तो कोई लगता ही नहीं सरकार होंगी है जी, सरकार नूं तो कोई पता नहीं लगन डिया की हो रहा है। आए दिन कतल हो रहे हैं, कई कुछ हो रहा जी, किनिया मौत हो रही अमृतसर सगो साढ़े तो वही जानते जी कि मौत हो रही। इन्हों का राजवीर हर अमृतपाल जी चलो साढ़े साल ही आई तो राजन कहने हम ये काम रेलवे के कलर्क है जी, ड्यूटी ते जा रहे सवेरे जी, अभी सब रोकया जी तो उन्होंने कहते साड़ी अज मीटिंग आ ब्यास रुक नहीं सके चल गए साढ़े साथ जानकारी दी है कि उसनू सूचना मिली सी कि बटाला रोड उपर ब्रिज उपर नौजवान दी चाइना डोर कारण मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि असीं 304 दे तहत मामला दर्ज कर लिया है ते जल्द तो जल्द मुलजमां नू गिरफ्तार किया जावे। हर अमृतपाल सिंह है जी, वेरका दे रहने वाले आ, रेलवे से जॉब करते हैं, जा रहे थे फ्लाईओवर के उपर उदान का एक चाइना डोर अगे आने करके गले च फिरन करके इन्हां दी जिहड़ी ओह मौत हो गई है, जांच कर रहे सी जी। चाइना डोर वरतों की जाए ना, ये ना पतंगा उड़ाइया जा ना किसी का जानी माली नुकसान हो। बाकी जो कानून अनुसार बनती कार्रवाई होगी। दस दिए कि जदों भी लोहड़ी का त्यौहार आता है तो उस वेले प्रशासनिक अधिकारियों के वलों लोगों को जागरूक किया जाता है, सूचना दी जाती है कि इस डोर का इस्तेमाल ना किया जाए, पर इसके बावजूद भी इस ड्रैगन डोर की वरतों लगातार की जा रही है। हुण वेखना होवेगा कि इस घटना तो बाद भी लोग सुधरते ने या फिर इस ड्रैगन डोर का इस्तेमाल करके लोगों की जान खतरे में पाते हैं। अमृतसर तो मुकेश मेहरा की रिपोर्ट, TVNRI।